गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू उपमात किचन। वेल फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ 3 टाइप ऑफ नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के तैयार होते हैं और हेल्दी तो है ही, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये है सेकंड टाइप का, इसको हमने हल्का सा फ्राई करके बनाया है, आप चाहो तो सेल्फ फ्राई करके भी बना सकते हो। और ये है थर्ड टाइप का, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इन सबको बनाया है। इसके लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही मैंने थोड़ा सा 1 छोटे चम्मच अजवाइन लिया है, हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और डाल लिया है तो 1 चम्मच तिल, वाइट वाला तिल लिया है यहाँ मैंने। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच, और साथ में डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, आप चाहो तो यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हो। मोइन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मोइन अच्छे से लगा लेंगे आटे में, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे नॉर्मल, और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। उससे पहले हमने थोड़ा सा आटा अलग रख लिया है 2 बड़े चम्मच, और अब हम इसका डो लगा लेंगे। ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जिस तरह से पूरी पराठे का आटा होता है ना, उस तरह से हम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, एक बार ही में सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और एक बार और अच्छे से डो को नीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा लग के तैयार हो गया है, इसको साइड में रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो 4 उबले आलू लिए हैं यहाँ मैंने, उनको इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके लेना है, क्योंकि हमें मोटे टुकड़े नहीं चाहिए, तो इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच नमक, साथ ही मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला, 2 पिंच हींग डाला है, और साथ ही थोड़े से सफ़ेद तिल यहाँ स्टफिंग में भी हमने डाल लिए हैं। बस यही बेसिक से मसाले हमें डालने हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे और ये हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आटा हमारा रेस्ट होके तैयार है, इसको एक बार और ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से नीट कर लेंगे। अच्छे से इसको दोबारा से नीट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करार बनता है। अब इस तरह से ना मोटी मोटी, जिस तरह से चपाती के लिए लोइयां तोड़ते हैं ना, उस तरह से इस तरह से हमें पेड़ियां तोड़ के रख लेनी है, 4 से 5 बड़े साइज़ की हमें करनी है, क्योंकि हम एक ही बारी में काफ़ी सारा नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तैयार कर ली है। अब जो हमने सूखा आटा बचाया था ना, वो उसमें हम थोड़े से सफ़ेद तिल डालेंगे और इसका एक ना थिक सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। इसको हमें अपने नाश्ते को इसमें डिप करना है फ्राई करने से पहले। तो ये हमारा जिस तरह से बेसन के पकौड़े के लिए घोल बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने घोल बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। चकला बेलन लिया है, ऑयल से ग्रीस कर लिया है इसको, और इस तरह से अब हम जो हमने लोइयां ली थी ना, उसको बड़ी सी चपाती की शेप में बेल लेंगे गोल। तो इसको बिल्कुल चपाती की तरह पतला रखना है, ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। अब बीच में हमने एक छोटी सी कटोरी ली है शेप के लिए, ताकि हम बीच में राउंड शेप में इसको बचा सकें बिना स्टफिंग के। चारों तरफ से स्टफिंग फैला लेंगे इस तरह से, ये देखिए बीच में सर्कल की शेप हमें छोड़नी है बस। अब उस कटोरी को हम हटा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब पिज़्ज़ा कटर से जिस तरह से पिज़्ज़ा काटते हैं ना, उसी शेप में हमने ट्रायंगल्स कट कर लिए हैं। अब चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करते हुए हमने ये देखिए रोल कर लिया है अपने सारे नाश्ते को। तो इसी तरह से सारे नाश्ते को हमें रोल कर लेना है चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करते हुए, और ये हमारे नाश्ते बन के तैयार हैं। तो इस तरह से ना आप इसको करके डीप फ्रीजर में रख सकते हो स्टोर करके, हफ्ते भर में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हो। तो इस नाश्ते को आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, रात को बना के भी रख सकते हो। सुबह जल्दबाजी में आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो आप रात को ही ये सारा काम करके ऊपर फ्रीजर में रख दें और सुबह फ्राई करके उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये देखिए अब ये जो हमने घोल बना के लिया था ना, उसको लेंगे और ये जो नाश्ता हमने बना के रखा था उसको घोल में डिप करेंगे, और इस तरह से डिप करके कढ़ाई में छोड़ देंगे। और ऑयल हमने पहले से ही गर्म करके रखा था, मीडियम हीट ऑयल में हमें इसे डालना है, और अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने अपने सारे नाश्ते को क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है, और ये देखिए हमारा नाश्ता बनके हो गया है तैयार।
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है फ्रेंड्स। एक बार आप अपने घर में बना के खिलाएंगे ना तो सभी को बहुत पसंद आएगा, और आपके घर में गेस्ट आएंगे ना, आप उनको खिलाएंगे तो आपसे वह यही पूछेंगे कि आपने इसको किस तरह से बनाया। तो ये है हमारा सेकेंड टाइप का नाश्ता, गेहूँ के आटे और बहुत सारी सब्जियों के साथ। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, और वो भी बिल्कुल मिनिमम से 2 बूंद ऑयल के साथ बनके ये तैयार हो जाता है। बहुत हेल्दी है, इसको बनाना बहुत इजी है। बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन में आप इसको दे सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने किस तरह से बनाया है और क्या क्या इन्ग्रीडियंट यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं, उनको बारीक वाले ग्रेटर में इस तरह से ग्रेट कर लिया है। मोटे चंक्स हमें नहीं चाहिए। अब हम ले लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा और 1/2 कप सूजी। अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ना एक थिक सा घोल बना लेंगे इसका। ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है, 1 कप पानी लगेगा तकरीबन, और 1/2 कप इसमें हम दही डालेंगे। तो मेज़रमेंट यही होना चाहिए, 1/2 कप सूजी, 1/2 कप दही, 1 कप आटा और 1 कप पानी। तो इस तरह से हमने इसका ना एक थिक सा बैटर बना के तैयार कर लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट, और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, 2 पिंच हींग ऐड किया है, साथ ही धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके ली है मैंने, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्चें और अदरक को चॉप करके ले लिया है, वो भी मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ देखिए 1/2 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही को हमें जिस टाइम हम पानी ऐड कर रहे थे ना उसी टाइम ऐड करना है। मैं थोड़ा पहले ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आप लोग जब पानी ऐड करें उसी टाइम इसमें दही भी ऐड कर लें। तो यहाँ सारा घोल हमने अच्छे से बना लिया है। अब हमने बारीक बारीक चॉप करके टमाटर और शिमला मिर्च और थोड़ी सी कैरेट ली है कद्दूकस करके बारीक वाली, उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी सब्जियाँ आप खाना पसंद करते हो। कुछ आप इसमें से स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे भी आपके घर में टेस्ट हो अकॉर्डिंग टू उसके डाल सकते हो आप सब्जियाँ। तो ये देखिए हमने अपना मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें गरम देसी घी भी ऐड किया है, इससे हमारा नाश्ता सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच इनो पाउडर। आप चाहो तो इसकी जगह 1/2 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हो, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। एक पैन हमने गैस पे रख लिया है, उसमें डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी, थोड़े से राई के दाने डालेंगे। राई के दाने जैसे तड़क जाएंगे, अब उसमें हमने डाल दिए हैं थोड़े से वाइट तिल, और ये तड़का हमारा तैयार है। इसी के ऊपर अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता। तो यहाँ 2 चमचे फुल भर के मैंने यहाँ पर अपना बैटर डाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए बैटर मैंने डाल लिया है, इसको अब हम ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सिकने देंगे। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया ऊपर से। अब हम इसको एक स्पैचुला की हेल्प से ना पलट लेंगे। तो ये देखिए नाश्ते को इस तरह से तड़के में पूरा इवनली कोट कर लेंगे, और ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है। अभी थोड़ा सा कम सिका है ये, हमें इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। जितना अच्छा आप इसको सेकना चाहो, क्रिस्पी करारा जितना करना चाहो उतना आप इसको सेक सकते हो। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। एक ट्रे में हमने इसको ले लिया है, और हमने इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो ग्रीन चिली सॉस के साथ, या फिर हरी चटनी के साथ, किसी के साथ भी इसको खा सकते हो। तो चलिए ये है हमारा थर्ड टाइप का नाश्ता, इसको भी बना लेते हैं। ये भी 1 कप गेहूं के आटे और ढेर सारी सब्जियों से बना है। सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया है। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट। ये देखिए 2 उबले हुए आलू लिए हैं, 1 गाजर है, 1 गोभी है, और शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है। तो वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो इसमें। यहाँ मैं 1 ग्रेटर ले लिया है कद्दूकस, और उसमें अपनी पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेंगे हम। बारीक बारीक हमें सब चीज़ों को चॉप करना है। आप चाहो तो चॉपर में भी कर सकते हो, बट यहाँ मैंने कद्दूकस का यूज़ किया है। ये देखिए मैंने कैरेट और बंद गोभी को कर लिया है, साथ ही मैं फूल गोभी और कैप्सिकम को यहाँ चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लूँगी, क्योंकि हमें इसके ना बिल्कुल बारीक से टुकड़े चाहिए, हमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं चाहिए इसमें नाश्ते में। तो यहाँ देखिए मैंने चॉपर में डाल लिया, और ये देखिए कितना फाइन सा पाउडर बन के तैयार हो गया है हमारा कैप्सिकम और फूल गोभी का। तो
तो यहाँ मैं सारी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ ले ली हैं और इसमें ना एक चम्मच नमक डाल के इसको मिक्स करके ना 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स में से जितना भी एक्सेस वाटर होगा ना वो रिलीज़ हो जाएगा। और जब वो एक्सेस वाटर रिलीज़ हो जाएगा तो हम जब उसके बाद ही इसका नाश्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ मैं एक स्ट्रेनर ले ली हूँ और साथ ही उसके ऊपर एक कपड़ा मैंने रख लिया है कॉटन का। और यहाँ ये जो हमारी वेजिटेबल्स का हमने मिक्सचर बना के रखा है ना, उसको हम उस कपड़े में डालेंगे और अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। जितना से ज़्यादा हम इसमें से पानी निकाल सकते हैं उतना हम इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पानी की वजह से अगर हम ये पानी नहीं निकालेंगे तो हमें हमारे बैटर में बाइंडिंग लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें आटा मिक्स करना पड़ेगा, आटा या कॉर्नफ्लोर जो भी आप मिक्स करना चाहो, तो हमें ज़्यादा इसमें डालना पड़ेगा अगर इसमें ज़्यादा पानी होगा, वरना इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। तो हमने अच्छे से इसको स्क्वीज़ कर लिया है, सारा एक्स्ट्रा वाटर हमने इसका निकाल लिया है। अब यहाँ जो उबला हुआ आलू था ना, उसको हम एक पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अपनी सारी हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं, अब इसमें हम डालेंगे आधा कप गेहूँ का आटा और यहाँ पे मैंने आधा कप ही चावल का आटा लिया है। आप चाहो तो टोटली चावल का आटा भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला है, चॉप हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच इसमें चाट मसाला, एक चम्मच इसमें 2 पिंच हींग डाला है मैंने, और आधी छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच इसमें हम अजवाइन डालेंगे। हाथों के बीच में इस तरह से अच्छे से क्रश करके डालेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए। आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। नमक अब हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हम इसमें नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं तो कम ही डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला है, धनिए से इस नाश्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ढेर सारा हरा धनिया डालिए या फिर आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। हाथों से अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया और अब इसको हम अच्छे से डो फॉर्म में ले आएंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है हमने, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, बस जो हमारी सब्जियों के अंदर मॉइस्चर था और आलू के अंदर मॉइस्चर था उसी में हमारा ये डो लग के रेडी हो गया है। बिल्कुल भी हमने ज़्यादा इसमें आटा मिक्स नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा आटा मिक्स करेंगे तो फिर इसमें आटे का ज़्यादा टेस्ट आएगा, सब्जियों का फ्लेवर कम आएगा। तो जितना पानी हमने इसी वजह से ज़्यादा इसका निकाल दिया था। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करके हम इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे अपने सारे बैटर में से। ये देखिए हल्की आधा इंच की मोटाई रखनी है और हम ये गोल गोल सी राउंड शेप के अपना नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा ही नाश्ता रेडी कर लिया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो गैस पे हमने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, वन बाय वन हम धीरे धीरे ये सारा अपना नाश्ता ऑयल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, वरना इसका ऊपर का सरफेस तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगा बट अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इसी वजह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारा होने तक अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए मैंने अलटते पलटते हुए इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम वन बाय वन इस सारे अपने नाश्ते को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, टिफ़िन में दीजिए, या फिर छोटी मोटी भूख लगे इवनिंग टाइम में तभी भी आप इसको बना के बच्चों को दे सकते हो, कोई गेस्ट आए तो उसको भी दे सकते हो। सर्व किया है हमने टमाटो केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज़।